मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। और मैं आपका होस्ट द डॉग ट्रैवलर। सो मैं आपको दिखाता हूँ, आई गॉट दिस वीज़ा, शेंजन वीज़ा इन 2 वॉकिंग डेज। सो मैंने स्विट्ज़रलैंड के लिए अप्लाई किया था। सो मैंने 4th of March में अप्लाई किया था। आई वेंट टू द VFS ऑफिस दिल्ली एंड बाई 7th of March आई गॉट दिस वीज़ा। सो मुझे 90 डेज का वीज़ा मिल गया, ठीक है। सो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ स्मॉल वीडियो सो दैट यू नो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो सबसे पहले जब भी आप वीज़ा के लिए अप्लाई करें, ठीक है, तो VFS से आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। तो शेंजन वीज़ा एक ऐसा वीज़ा है जिससे आपको बाकी 27-28 कंट्रीज़ में, शेंजन कंट्रीज़ में आपको डायरेक्टली आपको एंटर कर सकते हो। वहाँ पर कोई अलग से वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, एक वीज़ा से ही आप ऑल कंट्रीज़ में जा सकते हैं। सो कौन सा कंट्री में आपको अप्लाई करना है, आपके ट्रैवल आइटिनरी के अकॉर्डिंग होगा। वो कंट्री में आपका ड्यूरेशन ऑफ स्टे सबसे लंबा है, उस कंट्री के लिए आप अप्लाई करो, ठीक है। जैसे मेरा स्विट्ज़रलैंड एंड इटली का जो ट्रिप है, उसमें स्विट्ज़रलैंड का मेरा सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन ऑफ स्टे है। सो मैंने स्विट्ज़रलैंड के लिए अप्लाई किया एंड ये VFS के थ्रू मैंने अपॉइंटमेंट लिया। एंड देर इज़ यू नो वन फॉर्म, देर इज़ वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। सो उसमें दोनों लैंग्वेज में, इन स्विस तो जो भी कंट्री है, रीजनल लैंग्वेज एंड वन इंग्लिश। सो यू हैव टू गो थ्रू दैट फॉर्म इन डिटेल एंड यू हैव टू फिल दैट फॉर्म। सो वेबसाइट से आप डाउनलोड करें और कंप्यूटर में भी आपको फिल करना है एंड देन यू हैव टू टेक आउट अ प्रिंट आउट ऑफ दैट एंड देन यू हैव टू साइन सिग्नेचर एंड उसको वेरीफाई करना है, ठीक है। सो मेरे पास ये फॉर्म है जो मैंने भरा था। सो फ्यू कॉमन मिस्टेक्स हो जाते हैं इस फॉर्म में। तो ये फॉर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 32 पॉइंट्स है। सो ये आपको बहुत अच्छे से भरना है, बिकॉज अगर ये गड़बड़ हुआ तो चाहे बाकी डॉक्यूमेंटेशन आपके जितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ब्रीफली हम लोग डिस्कस एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। सो पॉइंट 1 है सरनेम यानी फैमिली नेम, तो आपका सरनेम है वो आप डालेंगे। पॉइंट नंबर टू पे है सरनेम एट बर्थ। सो जो आपका सरनेम है, जो आपका वो या बर्थ पे सरनेम था तो वही आप डालेंगे, या जो आपके स्पाउस है अगर उन्होंने अपना सरनेम एक और ऐड ऑन किया है तो तो जो उनका फैमिली सरनेम था इनिशियली वो आप ऐड ऑन कर सकते हैं ये सेकंड वाले पे, ठीक है। जो इनिशियली एट द टाइम ऑफ बर्थ में जो सरनेम था, उनका जो पेरेंटल सरनेम था, दैट यू कैन ऐड इन दिस सेकंड नंबर कॉलम, राइट। थर्ड नंबर अगेन फर्स्ट नेम, तो यू हैव टू मेंशन। पॉइंट 4, 5, 6, 7, तो ये चारों पॉइंट जो है, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री, नेशनैलिटी, तो ये सब आपके पासपोर्ट से सब मैच होना चाहिए, तो वो आप अकॉर्डिंगली फिल करेंगे। सेक्स डालेंगे, सिविल स्टेटस मैरिड, अनमैरिड, सेपरेटेड, ये आपको सेलेक्ट करना है। पॉइंट नंबर 10, पेरेंटल अथॉरिटी इन केस ऑफ माइनर। सो अगर आपके साथ आपका बच्चा ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, देन यू हैव टू राइट योर नेम, सरनेम, एड्रेस एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो वो आपको, जैसे माय चाइल्ड इज ट्रैवलिंग विद मी, सो आई फिल माय ऑल द एड्रेसेस एंड कम्युनिकेशन, ओके। पॉइंट नंबर 11 इज नेशनल आइडेंटिटी नंबर। सो आधार नंबर है तो आधार नंबर को आप इसमें लिखिए। पॉइंट नंबर 12, ऑर्डिनरी पासपोर्ट, मोस्ट ऑफ अस हैव ऑर्डिनरी पासपोर्ट, सो वो हमने टिक कर दिया। 13, 14, 15, 16, ये अगेन पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट। सो पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ इशू, वैलिडिटी, कंट्री इशू, सो उसमें आप रीजनल पासपोर्ट ऑफिस अगर आपका दिल्ली से है तो दिल्ली से, या जो भी स्टेट से, वो आप लिख सकते हैं। 17, अगर कोई आपका पर्सनल यानी फैमिली मेम्बर्स हु इज इन EU, सो अगर कोई भी फैमिली मेम्बर है जो यूरोपियन यूनियन में सिटीजन है या ऐसे अप्लाई किया है, तो उनका आपको डिटेल देना है। तो ऐसे एप्लीकेबल अगर है तो वो आप लिखिए, अगर नहीं एप्लीकेबल है तो नॉट एप्लीकेबल करके लिखिए। पॉइंट नंबर 18 में भी वही है। पॉइंट नंबर 19, एप्लीकेंट्स होम एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस। सो ये जो भी आपके पासपोर्ट में डिटेल है वो डिटेल डालेंगे, और ईमेल आईडी भी डालना है ताकि दे वांट टू कम्युनिकेट, दे कैन कम्युनिकेट टू यू। रेसिडेंस इन ए कंट्री अदर देन द कंट्री ऑफ नेशनैलिटी, तो मोस्ट ऑफ अस हैव नो, तो वो आप डालेंगे।
पॉइंट नंबर 21 वेरी इंपॉर्टेंट, करंट ऑक्यूपेशन. तो जो भी आपका ऑक्यूपेशन है वो लिखिए, कोई मैनेजर है या एग्जीक्यूटिव है. जैसे मेरा डॉक्टर है तो मैंने डॉक्टर लिखा है, ठीक है, तो वो आप डालेंगे. पॉइंट नंबर 22 एम्प्लॉयर का एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी आप देंगे. सो इसमें आपको 22 पे ये डालना है. 23 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सो टूरिज्म, जैसे पर्पस ऑफ जर्नी, तो मैंने टूरिज्म लिखा. अगर कोई फ्रेंड्स एंड फैमिली है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं. पॉइंट नंबर 24 इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर है वहाँ पर कुछ है तो वो ऑप्शनल है, यू कैन पुट. लाइक समवन वांट्स टू अटेंड यू नो सम कॉन्फ्रेंस देयर एज वेल अलॉन्ग विद द ट्रैवल, देन यू कैन राइट इट डाउन. पॉइंट नंबर 25 एंड 26 मेंबर स्टेट ऑफ मेन डेस्टिनेशन एंड अदर मेंबर स्टेट्स ऑफ डेस्टिनेशन इफ एप्लीकेबल. तो मेन डेस्टिनेशन मेरा स्विट्जरलैंड है और अनदर डेस्टिनेशन इज इटली, तो इटली मैंने दोनों लिखा है. एंड फर्स्ट एंट्री पॉइंट नंबर 26 इज स्विट्जरलैंड, सो वो मैंने लिख दिया है. नंबर ऑफ एंट्रीज रिक्वेस्टेड, इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा हमेशा मल्टीपल एंट्रीज ही डालें, ठीक है, जनरली मल्टीपल एंट्री ही देते. देन इंटेंडेड डेट ऑफ अराइवल एंड डेट ऑफ डिपार्चर. सो आपका शेंजन मतलब एरिया में जब फर्स्ट डेट ऑफ अराइवल होगा वो आपको डालना है, एंड डेट ऑफ डिपार्चर आपको शेंजन एरिया से, मतलब फाइनली जब आप अपने डेस्टिनेशन वापस आएंगे, इंडिया वापस आएंगे, तो वो वाला डेट का आपको डालना है, शेंजन एरिया से जब आप एग्जिट करेंगे वो वाला डेट, ठीक है. फिंगरप्रिंट्स प्रीवियसली कलेक्टेड और नॉट, अगर प्रीवियसली कलेक्टेड है तो यस करिए, उसमें अगर आपका वीज़ा स्टिकर नंबर है तो वो आप डाल सकते हैं, और अगर नहीं है तो नो लिखिए, ठीक है. सो मेरा था फ्रांस का पहले, तो मैंने वो नंबर डाल दिया. पॉइंट नंबर 29 एंट्री परमिट फॉर फाइनल कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन वेर एलिजिबल. सो उसका मतलब है कि अगर आप इंडिया वापस नहीं आ रहे, कोई और कंट्री जा रहे, सपोज यूके जा रहे, तो उसका वीज़ा एंड अदर यू नो डिटेल्स आपको इसमें भरना है. पॉइंट नंबर 30 नेम एंड सरनेम ऑफ द फर्स्ट ऑफ द इनवाइटिंग पर्सन इन द मेंबर स्टेट. सो पॉइंट नंबर 30 में है, अगर आप किसी के यहाँ जा रहे हैं तो वो एड्रेस आपको डालना है. अगर किसी यहाँ नहीं जा रहे तो फर्स्ट होटल जो आपका है उसका आपको एड्रेस आपको डालना है. जैसे मेरा ज्यूरिक में मेरा एंट्री है, तो मैंने ज्यूरिक सिटी वेस्ट करके ये होटल का नाम डाला है और एड्रेस एंड ईमेल आईडी डाला है. ओके, पॉइंट नंबर 31 यानी कंपनी, अगर आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको इनवाइट कर रही है तो उसका एड्रेस एंड वो तो नॉट एप्लीकेबल है मेरे लिए. पॉइंट नंबर 32 आपका मीन्स ऑफ यू नो वहाँ पर कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग एंड लिविंग कैसे आप वो करें. तो अगर आपका कैश है तो कैश, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड अकोमोडेशन, ये सब आप टिक कर सकते हैं. इसके अलावा और तो कुछ भी नहीं है. उसके बाद आपको प्रिंट आउट निकालना है और फिर अंडरटेकिंग में साइन करना है, प्लेस जहाँ पर है एंड डेट डाल दीजिए, ठीक है. सो ये फॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये फॉर्म जमा होगा, सब एप्लीकेंट्स के अलग अलग फॉर्म जमा होंगे, ठीक है. माइनर का होगा तो माइनर का भी जमा होगा, जिसमें लास्ट में जो साइन करेंगे तो उसमें दोनों पेरेंट्स के साइन होने चाहिए, ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस यू नो अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, कि कैसे इस डॉक्यूमेंट को हम प्रॉपर करें. सो जैसे अभी मेरे पास स्विस का है, सो हर कंट्री का अलग अलग चेकलिस्ट है. सो थोड़े बहुत ही माइनर डिफरेंसेस होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर ऑलमोस्ट सिमिलर, ठीक है. सो सबसे एंड मोस्ट फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट दिस वीज़ा फॉर्म शुड बी फिल्ड करेक्टली एंड सेलेक्ट द कंट्री विच मतलब जिसके लिए आपको अप्लाई करना, विच यू हैव टू अप्लाई फॉर. तो उस कंट्री का आपको निकालना है एंड उसको अच्छे से भरना है. एंड चेकलिस्ट में स्विस का है मेरे पास, तो वो मैं आपको बताता हूँ. सो फर्स्ट इज द नेशनल पासपोर्ट. तो पासपोर्ट है, पासपोर्ट वैलिडिटी होना चाहिए एटलीस्ट 3 months वैलिडिटी आफ्टर द स्केड्यूल्ड रिटर्न. रिटर्न का जो हमारा स्केड्यूल्ड है उससे 3 महीने की ज़्यादा वैलिडिटी होनी चाहिए एंड एटलीस्ट 2 blank pages शुड बी देयर. तो ये स्विट्जरलैंड का है, कुछ शेंजन कंट्रीज का 6 months का भी वैलिडिटी मांगते हैं, तो वो आपको चेक करना है. तो एक तो ये हो गया. दूसरा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एज पर द रिक्वायरमेंट. तो शेंजन वीज़ा का 35-40 mm का आता है, वो क्रॉप नहीं होना चाहिए, स्कैन नहीं होना चाहिए, तो वो स्पेसिफिकेशन है, तो आप ले लीजिएगा, ठीक है, वो आपको शॉप पे बता देंगे. वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, सो आपको साइन करना है, ठीक है. एंड प्रीवियस पासपोर्ट अगर आपके उसमें वीज़ा लगे हुए हैं पुराने पासपोर्ट, तो फिर वो दोनों पासपोर्ट, वो भी पासपोर्ट आप दे दीजिए एंड उसको रबर बैंड से आप रैप कर दीजिएगा. स्टेपल नहीं करना है.
कोई भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाएंगे, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको स्टेपल नहीं करना है, आप चाहे तो क्लिप्स यूज कर लीजिए। सो क्योंकि वहाँ पर वो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स खोल के देखते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, पर्सनल कवरिंग लेटर। सो कवरिंग लेटर में आपके बारे में ब्रीफली, दिस इज सी कवरिंग लेटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे बाकी डॉक्यूमेंटेशन आपके जितने भी स्ट्रांग हो, कवरिंग लेटर अगर आप प्रॉपरली आप नहीं समझा रहे, आपका पर्पस ऑफ विजिट, आपकी ब्रीफ ट्रैवल आइटिनरी, एवरीथिंग गोज रॉन्ग। सो पर्सनल कवरिंग लेटर में आपको ब्रीफली अपने बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, क्यों जा रहे हैं आप वहाँ पर, कितने दिनों के लिए जा रहे हैं, आपके मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या रहेगा वो आपको लिखना है, ठीक है, आप क्या काम करते हैं, कितना सैलरी ड्रॉ करते हैं, थोड़ा ब्रीफली आप इसको बताएंगे, ठीक है, एंड आपके साथ कौन कौन जा रहे हैं, उनका पासपोर्ट नंबर, ये सब भी आपको लिखना है उसमें। अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू ऑल्सो सबमिट ए ब्रीफ ट्रैवल आइटनरी, ठीक है। ट्रैवल आइटनरी बहुत बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं चाहिए, 6-6 पेज का डाल दिया, 1 or 2 pages इज गुड इनफ, जिसमें आप किस डेट को अराइव कर रहे हैं, एयरलाइंस कौन सा है, कन्फर्म्ड जो आपका नंबर है, PNR नंबर है वो आपने दे दिया, ठीक है, डे वन में कौन से होटल में है, कितने दिन के लिए है, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, डे वाइज आइटनरी आप दे दीजिए, ठीक है, एंड रिटर्न टिकट भी करना है। अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट अगर आप जैसे एक शेंजन कंट्री से दूसरे शेंजन कंट्री जा रहे हैं तो इंट्रा ट्रांसफ़र का भी आपको टिकट आपको देना पड़ेगा, सो वो भी आप ध्यान रखो। जैसे मैं स्विट्ज़रलैंड से इटली जाऊँगा तो मैंने बस का एक उनको शो किया कि इस बस से मैं जाऊँगा वहाँ पर, तो यू हैव टू गिव दैट, भले ही आप रिफंडेबल टिकट ले लो फिर भी आपको वो देना पड़ेगा, ठीक है। सो एक आपको ब्रीफ सा एक ट्रैवल आइटनरी आपको बनाना है, ठीक है। सो कवर लेटर एंड ट्रैवल आइटनरी हो गया, और जितने एप्लीकेंट्स हैं सब में एक एक कॉपी ये जाएगा, कवर लेटर एंड द ट्रैवल आइटनरी। देन इफ यू आर एम्प्लॉयड देन यू हैव टू हैव सम इंट्रोडक्शन लेटर, मतलब जो आप अपने कंपनी से लीव पे जाएंगे तो आपको एक कंपनी के जो लेटर हेड है उस पे एचआर आपको जो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है, द लेटर हैज़ टू बी स्टैम्प्ड बाय एचआर और बाय द डायरेक्टरेट मेंशनिंग योर पोजीशन एंड योर ड्यूरेशन ऑफ सर्विस एंड नो ऑब्जेक्शन स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्लान ट्रिप टू स्विट्जरलैंड और शेंगेन स्टेट, ठीक है, एंड डेट्स एंड पर्पस ऑफ द ट्रिप। मतलब ये देखो बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि ओरिजिनल होना चाहिए, लेटर शुड बी साइन बाय द एचआर और द डायरेक्टर, और आपका पोजीशन उसमें मेंशन होना चाहिए, ड्यूरेशन ऑफ सर्विस मेंशन कब से आपने ज्वाइनिंग किया है, एंड आपके डेट्स ऑफ ट्रैवल शुड बी मेंशन, एंड द एचआर शुड हैव नो ऑब्जेक्शन फॉर योर प्लान ट्रिप एंड डेट्स, एंड आपने बताई दिया डेट्स एंड पर्पस ऑफ ट्रिप फॉर टूरिज्म या जो भी के लिए जा रहे हो वो भी मेंशन होना चाहिए। सो ये आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, इंटरनेट पे भी काफ़ी मिलते हैं, तो ये आपका कंपनी की तरफ से इंट्रोडक्शन लेटर एक होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ट्रैवल इंश्योरेंस, तो सब जितने भी मेंबर्स जा रहे हैं सबके ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए, सो इट शुड बी एटलीस्ट मिनिमम कवरेज ऑफ 50,000 USD और 30,000 यूरोज, तो वो मैंशनड है, तो स्पेसिफाइड है, तो वो आप सबका ट्रैवल इंश्योरेंस ले लें। नाउ रिगार्डिंग द फ्लाइट रिजर्वेशन, सो फ्लाइट रिजर्वेशन ऑफ ऑल द मेंबर्स क्लियरली लिखा हुआ विद ऑल विद नेम्स ऑफ ऑल द ट्रैवलर्स एंड इफ एप्लीकेबल प्रूफ ऑफ इंट्रा शेंजन फ्लाइट और ट्रेन आइटनरी और कार रेंटल। तो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आप इंटर शेंजन मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रहे हैं तो वहाँ का आपको ट्रेन आइटनरी या कार रेंटल या बस जो भी है वो आप शो करना है, एंड फ्लाइट रिजर्वेशन डमी भी ले सकते हैं, बट अगर आप रिफंडेबल फ्लाइट, जैसे मैंने अपने केस में एमिरेट्स का रिफंडेबल फ्लाइट लिया था, सो दैट वाज ओनली 3,000 rupees डिडक्ट होता और पर टिकट, तो दैट वाज अ प्रीटी गुड। सो आप वैसे लो तो चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू कम्प्लीटली डमी टिकट बुकिंग, यू नो। सो आप रिफंडेबल वाला ले लो, मैं तो ये आपको सजेस्ट करूँगा, ठीक है, तो वो आप एक लो। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, सो जो आपने ट्रैवल आइटनरी जो बनाया है उसके बेसिस पे आपको अपने होटल्स भी शो करना है, ठीक है। अगर आप फैमिली के हिसाब से जा रहे हो तो यू नो मेन मेंबर का नाम हो सकता है अलॉन्ग विद द अकंपनी कितने लोग हैं उनका नाम नहीं होता, एटलीस्ट नंबर ऑफ पीपल्स अकंपनिंग शुड बी मेंशन्ड। सो हर डेस्टिनेशन जो कि आपने ट्रैवल आइटनरी में दिया है अपने, तो वो होटल का रिजर्वेशन कन्फर्म रिजर्वेशन, ठीक है, और वो आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है।
इसमें इसमें मैंने तो यू नो सब जो भी है क्रेडिट कार्ड से रिफंडेबल वाले बुकिंग किया था, तो आप भी ऐसे booking.com से या अदर वेबसाइट से भी आप कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि फुली पेड ही होने चाहिए, तो ऐसे कुछ भी नहीं है, ठीक है। कुछ आप पे लेटर भी कर सकते हो, कुछ आप रिफंडेबल क्रेडिट कार्ड से रिफंडेबल वाले बुकिंग कर सकते हैं, तो यू कैन मिक्स एंड मैच, राइट। एंड क्योंकि कभी कभी पता नहीं होता कि वीज़ा किसी कारण रिजेक्ट हो गया, देन ऑल योर मनी विल गो वेस्ट। सो ये आप रिफंडेबल वाले लो तो ही ज़्यादा बेटर है, राइट। आप अगला वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस, मतलब आप वहाँ जा रहे तो आपके पास मतलब उतना अमाउंट है कि आप उसको सस्टेन कर पाएंगे, ठीक है। तो वो चेक करते हैं, ठीक है। तो हर कंट्री का थोड़ा सा अलग यहाँ पर भी होता, जैसे स्विट्जरलैंड का है लास्ट 3 मंथ्स का सैलरी स्लिप, 3 मंथ्स का बैंक सैलरी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, और इसके अलावा भी अगर आपका अदर सेविंग अकाउंट है तो वो भी आप डाल सकते हैं। और ITR इनकम टैक्स रिटर्न 2 ईयर्स का इन्होंने मांगा है, तो मैं 3 ईयर्स का ले गया था, पर 2 ईयर्स के लिए कह रहे थे वो कि गुड इनफ है। सो 2 ईयर्स का केवल एक्नॉलेजमेंट फॉर्म ही चलेगा, तो ये आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जिसमें आपकी सैलरी आती है, ठीक है, फॉर लास्ट 3 मंथ्स, और उसमें भी आपको A4 शीट पे लेना है बैंक से, और उसको आपको स्टैम्प चाहिए, ठीक है। सो स्टैम्प बाय द बैंक, सो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एक कॉमन गलती कुछ लोग करते हैं जिसमें क्या है कि लास्ट के 15 डेज या 1 मंथ में बहुत सारा पैसा डाल दिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वीज़ा ऑफिसर को हमेशा शक होता है। सो ऐसे कोई भी यू नो ह्यूज ट्रांजैक्शंस लास्ट के टाइम पे ना करें। जो भी आपका सैलरी आ रहा है वो क्रेडिट शो करना चाहिए, ठीक है, या TDS डिडक्ट होता है वो आपका ITR में शो होना चाहिए, ठीक है। सो अननेसेसरी देखो ऐसे कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि इतना पैसा चाहिए तो ही आप अलाउड होंगे या अलाउड नहीं होंगे, देर इज नथिंग रिटन एनीवेयर। सो जस्ट आप ऐसे समझ लो रफली, यू नो, अब जैसे मैं 2 हफ्ते के लिए सपोज जाऊंगा तो 14 मतलब अप्रॉक्सीमेटली यू नो 3 or 4 to 5 lakhs आपके अकाउंट में होने चाहिए अप्रॉक्सीमेटली। सो वो मतलब ऐसा कहीं स्पेसिफाइड नहीं है, बट यू नो अपने अकाउंट का जो मेंटेनेंस है ना, वो मतलब जो आप बैलेंस आप मेंटेन कर रहे हो, ठीक है, तो वो स्टेडी होना चाहिए। पैसे कहाँ से आ रहा है वो क्लियरली शो होना चाहिए, और कोई भी लास्ट में बहुत पैसा कहीं से आ गया वो सब चीज़ें नहीं चाहिए, ठीक है। उससे बहुत प्रॉब्लम होता है और वीज़ा ऑफिसर को शक होता है, और जैसे उसको शक होता है वो फिर रिजेक्ट कर देता, ठीक है। बाकी अगर आप अगर आप कि खुद की कंपनी है तो उसका GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ द कंपनी प्रोपराइटरशिप या पार्टनरशिप डीड, ये सब चीज़ आपको देने हैं, और इसमें भी पर्सनल और बिजनेस बैंक जो है अकाउंट स्टेटमेंट आपको पुट करना पड़ेगा। सो ये सब चीज़ें है। और अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट इन्होंने बोला अबव 16 ईयर्स में कॉलेज ID कार्ड ये सब चाहिए होगा, अगर लेस देन 16 ईयर्स है तो ऐसी ज़रूरत नहीं होगा। फिर भी मैंने स्कूल का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगा दिया था, ठीक है, एंड स्कूल का आई कार्ड लगा दिया था। वीज़ा फी इज 80 यूरो फॉर एडल्ट्स एंड 6 to 12 years इज 40 यूरो फ्री फॉर चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स अवे, जो कि अभी वीज़ा फी बढ़ने वाला है, आई डोंट नो कब होगा, बट रूमर्स है कि 1 अप्रैल से ये बढ़ जाएगा, ठीक है। सो इस फॉर्म को आपको भरना है, VFS के जो भी आपके फीस है वो भरना है, कुरियर सर्विसेज जो भी आप लोगे वो भरो, ठीक है, एंड देन यू हैव टू सबमिट दैट पे स्लिप अलॉन्ग विद योर डॉक्यूमेंट्स, ये सब कलेक्ट होंगे, बंडल बनेगा, ठीक है, एंड देन इट विल बी प्रोसेस्ड, ठीक है। सो ऐसे कोई डिफिकल्ट नहीं है, सब खुद ही कर सकते हैं, ठीक है। सो कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि एजेंसी कराना, ये सब चीज़ आप खुद भी कर सकते हैं, राइट। ऑल द बेस्ट, ठीक है, एंड कीप वॉचिंग, आई विल शेयर सम मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। और अभी मैं स्विट्जरलैंड का ट्रिप के बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा कि कैसे मैं अपने ट्रैवल आइटनरी और कैसे मैं बना रहा हूँ, ठीक है। एंड टिल देन गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय।